श्रीमती रूपा गांगुली। धन्यवाद सभापति महोदय। ये आज मुझे ये बिल पर बोलने का मौका मिला है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019। लेकिन मैं इस बिल के बारे में बोलते हुए सबसे पहले तो ये कहूँगी कि तिरुचि शिवाजी को तो कभी ये देश ज़रूर नहीं भूलेगा। इस बिल के बारे में, इस एक्ट के बारे में जब बातें होगी तो उनके नाम तो ज़रूर आएंगे, हर वक्त आएंगे कि इन्होंने बहुत खटके इसके विषय में काम करके, तैयारी करके लोगों तक सामने पहुंचाए। हम सब बहुत लोगों ने इनके बारे में सोचे हैं, ट्रांसजेंडर के बारे में, लेकिन बिल के तौर पे इन्होंने लेके आए ये तो कभी कोई नहीं भूलेगा। ये बिल के बारे में बोलते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम ऐसे हमारे बहुत दोस्तों को बहुत करीबी से देखे हैं। इस बिल में क्या क्या है? एक्चुअली इस देश में अभी भी बहुत सारे लोग जो गूगल तक या रोज़ इंटरनेट वगैरह में नहीं जाते, उन तक इतना क्लैरिटी नहीं है कि ट्रांसजेंडर एक्चुअली है क्या। इट्स अ फिजिकल पार्ट, इट ऑल्सो हैज़ अ इमोशनल पार्ट। जिनके फिजिकल सेक्सुअल ऑर्गन ठीक से बनते नहीं हैं तब वो ट्रांसजेंडर बनते हैं, और जिनके सब नॉर्मल बनने के बाद भी उनके हार्मोनल थोड़े से अलग होते हैं तब उनको बाद में फीलिंग होती है कि वो शायद अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं। तो इस बिल में अच्छा क्या है? इतनी देर तक बातें हो रही है कि वो लोग पीड़ित है, अलग तरीके से जीते हैं, एक्सक्लूडेड है सोसाइटी से, इस बिल में अच्छी बात क्या है? स्कूल में भर्ती करना कोई रोक नहीं सकेगा, घर उनको अगर रेंट पे लेना है कोई रोक नहीं सकेगा, कहीं पे कोई इल ट्रीटमेंट उनके साथ कर नहीं सकेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने जाए उनको रोक नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट जॉब में कभी उन्होंने भर्ती किया या कोई भी प्राइवेट जॉब में भर्ती हुए और उसके बाद उन्होंने जेंडर चेंज किए तब भी उनको कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता। अगर अर्ली डिटेक्शन हो सर तो बच्चे के लिए भी अच्छा है, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है। इस बिल में हर जगह पे, जैसे छोटी छोटी चीज़ बोलें, ये काउंसिल किस लिए बनाया गया है? काउंसिल में सारे लोग हैं, सारे मिनिस्ट्रीज हैं, सारे लोग हैं जो इस विषय में चर्चा करेंगे। मैं तो मंत्री महोदय से ये भी पूछूंगी कि यहाँ पे कोई एग्जैक्टली डिटेल में लिखा हुआ नहीं है, अगर ऐसा इसमें होता, शायद है, मुझे समझ में नहीं आया होगा, अगर ऐसा होता है कि कोई माँ बाप भी ज़बरदस्ती बच्चे को डिस्कार्ड करना चाहते हैं, है ना, हाँ, या कोई कम्युनिटी आके बच्चे को ज़बरदस्ती ले जाना चाहते हैं, वो भी नहीं हो सकेगा। अब डिटेक्शन और ये ऑपरेशन के लिए अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऐसे लोगों के पास जाके अपने परीक्षा और उसके बाद डीएम के पास जाके अपना आइडेंटिटी और नेम चेंज करना पड़ेगा, ये तो अच्छा है, ताकि कोई भी इंस्टीट्यूशन उनको गलत शलत ट्रीटमेंट करा के उनके से पैसा खींचना, उनके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को इस्तेमाल करके उनको परेशान नहीं कर सकता। ये तो सही रास्ते में सरकारी तौर पे वो जाएगा। और ये भी है, कोई किसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इनके साथ। सबसे बड़ी बात तो ये मुझे ये लगा है कि आज इस देश में ऐसे विषय में चर्चा हो रहे हैं, ये ज़रूर न्यू इंडिया के साथ, न्यू इंडिया वर्ल्ड के साथ ये जुड़ जाता है। और मैं ये कह के अपने बात को विराम देना चाहती हूँ, ये जो लोग जो रोक रहे हैं और ये जो लोग इसको लेकर एजिटेशन कर रहे हैं, इसमें फ़ायदा किसका है? कुछ एक्टिविस्ट टीम के? मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, सीधी भाषा में, सिंपल अंग्रेज़ी में, हिंदी में लिखा हुआ है बिल, मैं जनसाधारण को और जो सारे लीडरशिप बैठ के इसके ऊपर एजिटेशन कर रहे हैं वो प्लीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ ले, बहुत आसान है, सम्मान के साथ जीने का मौका मिलेगा। क्या हम ये नहीं चाहते कि हम सब एक साथ रहे, एक कम्युनिटी अलग क्यों रहे, क्यों अलग कम्युनिटी बने? कम्युनिटी एक ही है, वो ह्यूमैनिटी है, और कोई कम्युनिटी होना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।